Hey guys, welcome to Inspiration IAS, a well-defined platform for learning various general study topics for UPSC and other state PCS examinations. This is Daily News Analysis by myself, Rupak Majumdar. यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB एंड असम ट्रिब्यून जैसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज से करंट अफेयर कंपाइलेशन एक डिटेल एंड कंप्रिहेंसिव वे में. अगर आप इंस्पिरेशन IAS के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.inspirationias.org फॉर आर डेली MCQs एंड विश्लेषण्स. आप हमारे साथ जुड़ सकते हो वाया आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप UPSC या स्टेट PCS की तैयारी करना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो हमारे साथ फॉर आवर फाउंडेशन कोर्स बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड में जो भी अवेलेबल है इन आर ऑल द रनिंग सेंटर्स एट न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, रांची. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एस्पिरेंट्स हमको अरुणाचल प्रदेश से फॉलो कर रहे थे आपके लिए डेडिकेटेड एक इंस्टीट्यूट वहाँ पे स्टार्ट किया गया है, तो आप अभी अपने होम स्टेट में रहकर तैयारी कर सकते हो UPSC एंड स्टेट PCS की. आपको मिल जाते हैं अलॉन्ग विथ जनरल स्टडी पेपर्स, आपको मिल जाते हैं ऑप्शनल पेपर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस बाय अरविंद सर. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको सेटेलाइट कोर्सेज भी मिल जाते हैं एंड मोर ओवर यू गेट ऑप्शनल पेपर फॉर जूलॉजी, ज्योग्राफी एंड सोशोलॉजी. डिटेल जानने के लिए आप दिए गए नंबर पे कर सकते हो कॉन्टैक्ट. नाउ सबसे पहला जो न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एंड एक्चुअली मैं कहूँगा ये एक डिप्लोमेटिक एक विन है इंडिया का. एक दर्शाता है कि पिछले कुछ सालों में आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया का जो स्टैंड रहा है पर्टिकुलरली भूटान को लेकर एंड जो इंडिया का रोल रहा है उसके चलते एक यू नो काफ़ी फ्रेंडली टाइज हम शेयर करते हैं. रिसेंटली जो कहते हैं ना कि आइसिंग ऑन द केक, तो ऐसा ही कुछ हुआ है. भूटान ने किया है कन्फर अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड PM मोदी जी को. तो यहाँ पे आप देख सकते हो द इकोनॉमिक टाइम्स जो आर्टिकल है यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कन्फर्ड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑन ओकेजन ऑफ भूटान्स नेशनल डे. बेसिकली क्या हुआ, देखिए प्राइम मिनिस्टर जी को भूटान का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उससे नवाजा गया है एंड वो पहले फॉरेनर बने जो भूटान के एक प्रेस्टिजियस अवार्ड को ऐसे यू नो जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को पाने वाले वो पहले फॉरेनर बने, पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफकोर्स. तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट भी पास हुआ है जो PMO भूटान है वहाँ से, कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हैज प्लेड एन अनकंडीशनल फ्रेंडशिप ओवर द ईयर्स एंड हैज हेल्प इमेंसली ड्यूरिंग कोरोना वायरस पैंडेमिक. तो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली कहा है जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है यहाँ से एक स्टेटमेंट आया है कि जो मोदी जी है इन्होंने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है पिछले कुछ सालों में. अनकंडीशनल फ्रेंडशिप, आपको पता होगा जो इंडिया का ऑफकोर्स हमेशा से स्टैंड रहा है रिगार्डिंग भूटान, अनकंडीशनल हेल्प हम लोग प्रोवाइड करते हैं एंड ऑफकोर्स जो करंट गवर्नमेंट है मोदी गवर्नमेंट है उनका भी सेम स्टैंड रहा है, हम अनकंडीशनल फ्रेंड हेल्पिंग हैंड सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं भूटान को. एंड पर्टिकुलरली ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक हमने कई सारे से वैक्सीन ड्राइव हो गया या फिर जो यू नो हॉस्पिटल जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया इन सब मामले में हमने कई सारे ऐसे मदद जो है ना भूटान को हमने एज अ जेस्चर ऑफ हेल्प हमने प्रोवाइड किया है, जेस्चर ऑफ हमने सपोर्ट हमने भूटान को प्रोवाइड किया है. तो इसी के चलते एक्नॉलेज करते हुए यहाँ पर ये स्टेटमेंट पास होता है फ्रॉम दी भूटानीज जो PMO है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है वहाँ से. यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट फॉरेनर टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड. जो इंडिया का हाइस्ट सिविलियन जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है भारत रत्न, कौन से फॉरेनर थे जिनको सबसे पहले फॉरेनर रहे थे जिनको इंडिया का जो भारत रत्न अवार्ड है वो मिला था. मैं चाहूंगा आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर अवार्ड, PM मोदी जी को और भी कई सारे अवार्ड से नवाजा गया था पिछले कुछ सालों में, तो आपको ये पता होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ मैंने लिस्ट आपके लिए बनाया है, ऑर्डर ऑफ यू नो अब्दुल अजीज अल सऊदी जो सऊदी अरेबिया का जो यू नो प्रेस्टिजियस अवार्ड है. स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमनुल्ला खान अफगानिस्तान से मिला है,
ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन अवार्ड पैलेस्टीन से मिला है, ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड यूएई से, देन ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड रशिया से, ऑर्डर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन जो मालदीव से दिया गया है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड था जो कि एक कंट्री से नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक इंस्टीट्यूट से मिल रहा है जो अंडर यूएन काम करते हैं, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। एंड ऑफ कोर्स ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से अवार्ड नवाजा गया था पीएम मोदी जी को। एंड इसी के चलते मैं आपको बताता हूँ जो पीएम मोदी जी है इनका जो लिस्ट ऑफ अवार्ड है इट इवन क्रॉस्ड जितना जो जो बाइडेन के पास है एज अ नेशनल लीडर, तो उसको भी क्रॉस करते हुए पीएम मोदी जी करेंटली सबसे ज़्यादा अवार्ड होल्ड करते हैं एज अ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, एज अ नेशनल रिप्रेजेंटेटिव, एज अ लीडर। इंडो भूटान रिलेशनशिप के बारे में बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। देखिए जो बॉर्डर है ऑफकोर्स आपको पता होगा हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, भूटान जो एक लैंड लॉक कंट्री है, हमारा जो बॉर्डर है 699 किलोमीटर का बॉर्डर हम शेयर करते हैं लगभग। हमारा जो भूटान के साथ टाइज है वो आज का नहीं है, एंशियंट टाइम से आपको पता होगा पर्टिकुलरली जो बुद्धिज़्म है इंडिया से भूटान में स्प्रेड होता है। एंड इसी तरह से जो कल्चरल टाइज है या सोशियो कल्चरल टाइज है हम काफ़ी हद तक कॉमन टाइज शेयर करते हैं, हमारे कंसर्न्स भी कॉमन है। पर्टिकुलरली साउथ एशिया में हम बात करें तो हमारा कॉमन कंसर्न एक तो जियो पॉलिटिक्स में चाइना कंसर्न एक कॉमन कंसर्न हो जाता है। हमारा जो लाइफस्टाइल है डे टू डे बेसिस पे अगर बात करें तो काफ़ी मिलते जुलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ हिस्ट्री, सिमिलर टाइप ऑफ बैकग्राउंड एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस हम फॉलो करते हैं। जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में बात करें तो देखिए जो भूटान है इनके साथ हमारा 1910 से रिलेशन ऑफिशियली एस्टेब्लिश हुआ था ब्रिटिश इंडिया के अंडर में। ऑफ कोर्स आपको पता होगा जब ब्रिटिश इंडिया ने भूटान को एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट डिक्लेयर किया था एंड ब्रिटिश इंडिया ने जो कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी इन्होंने कहा कि हम आपके फॉरेन अफेयर्स को गाइड करेंगे, सो एज अ प्रोटेक्टोरेट स्टेट एस्टेब्लिश किया गया था, प्रोटेक्टोरेट टेरिटरी रादर देन स्टेट। इंडिया भूटान का जो पीस ट्रीटी है काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है जो करेंटली है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में अभी जो म्यूचुअल टाइज हम शेयर करते हैं रिगार्डिंग आवर फॉरेन पॉलिसीज को लेकर, तो ये पीस ट्रीटी के अंडर में आता है, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप जो 1949 में साइन किया गया था इंडियन भूटान के द्वारा। एंड इम्पॉर्टेंट जो है वहाँ पर आर्टिकल 2 ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रीटी ये कैटेगरिकली कहता है कि जो इंडिया है दे विल गाइड द फॉरेन अफेयर्स ऑफ भूटान। कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए थे 2007 में, चेंजेस लाए गए थे, कैसा चेंज लाया गया था यहाँ पे कहा गया कि द न्यू ट्रीटी सेज दैट भूटान कैन इम्पोर्ट आर्म्स एज लॉन्ग एज इंडियन इंटरेस्ट आर नॉट हार्म्ड एंड देयर इज नो री एक्सपोर्ट ऑफ द वेपन्स इधर बाई गवर्नमेंट और इंडिविजुअल। सो बेसिकली 2007 में कंसिडरिंग द सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ इंडिया इस ट्रीटी को कुछ चेंजेस लाए गए थे, ट्रीटी में अमेंड किया गया था एंड कहा गया कि जो भूटान है आप किसी भी कंट्री से एक्चुअली आर्म्स जो है वो इंपोर्ट कर सकते हो एज लॉन्ग एज इंडिया का जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है नेशनल इंटरेस्ट है वो जोपर्डाइज ना हो कॉम्प्रोमाइज ना हो। एंड एक और कंडीशन था कि आप री एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो उन आर्म्स को, मतलब मान लीजिए कल को कोई ऐसा हुआ यहाँ पर हो गया भूटान के जरिए कोई दूसरे कंट्री से आर्म्स जो है भूटान में आ रहा है, भूटान इसको किसी थर्ड पार्टी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सो इट मे गो अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया बिकॉज भूटान को एज अ इंटरमीडिएट टेरिटरी यहाँ पे बेसिकली यूज किया जाएगा इन दिस केस फॉर आर्म्स ट्रेड। सो इसके चलते इट मे जोपर्डाइज दी नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। सो पीस ट्रीटी का जो अमेंडमेंट था 2007 में इसके अंडर में ये दो कंडीशंस रखे गए थे कि आप किसी भी कंट्री से आर्म्स जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हो, आपको इंडिया पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका जो इम्पोर्ट है इट शुड नॉट गो अगेंस्ट दी सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया पहली चीज़, दूसरी चीज़ आप री एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो उन आर्म्स को। भूटान का जो सिग्निफिकेंस है हमारे लिए पर्टिकुलरली साउथ एशिया में अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली बात है काफ़ी कॉर्डियल रिलेशन है, कोई बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमारे साथ भूटान को लेकर है नहीं,
इनफैक्ट जब चाइनीज एग्रेशन हुआ था, आपको पता होगा लास्ट ईयर, एक गांव में चाइना ने क्लेम दर्शाया था, तो इंडिया वॉज दी अमोंग द फर्स्ट कंट्री जो भूटानीज कंसर्न को लेके खड़े हुए थे एंड सपोर्ट भी प्रोवाइड किया था इन यूनाइटेड नेशंस जो प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है भूटान का। ऑफकोर्स आपको पता होगा भूटान के बाद इमीडिएट जो नेबर है वो चाइना आते हैं, एंड चाइनीज इन्फ्लुएंस भूटान में हमेशा टाइम टू टाइम ट्राई रहा है चाइना का कि भूटान में अपना प्रेजेंस बढ़ाया जाए, क्योंकि वो इंडियन बॉर्डर के काफ़ी करीब आ जाते हैं एंड इससे चाइना को एक्सेस मिल जाता है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम जो, एंड पर्टिकुलरली जो चिकन नेक कॉरिडोर वाले जो एरिया है। तो इसके चलते जियो पोलिटिकली सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए नेशनल बॉर्डर जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भूटान हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो एक पीस एंड स्टेबिलिटी इन भूटान इज ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट हमारे फॉरेन पॉलिसी में हमेशा से रहा है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफकोर्स, क्योंकि आपको पता है जो भूटान है ये एक लैंडलॉक कंट्री है, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली जो कमोडिटीज़ है, जो आर्टिकल्स ऑफ कंजम्पशन है, भूटान इंपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्री से, एंड जो मेजर एक्सपोर्टर है भूटान को वो है इंडिया। जो भूटान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया में, आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया है ये है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भूटानीज पर्सपेक्टिव से। सो इंडियन कमोडिटीज़ के लिए मार्केट, एंड आपको मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ, देखिए ऑल दो भूटान इज़ अ मार्केट फॉर इंडिया, बट इंडिया इज़ नॉट एक्सप्लॉयटिंग भूटानीज मार्केट। काफ़ी सस्ते दामों में जो आर्टिकल्स है उनको प्रोवाइड किया जाता है, एंड एग्जैक्टली कहूँ तो ये आप ट्रेड के हिसाब से ना देख कर या मार्केट के हिसाब से ना देख कर इसको आप कह सकते हैं कि हम जो पर्टिकुलर जो आर्टिकल्स है वो सप्लाई करते हैं इन देयर नेशनल इंटरेस्ट। ट्रेड के बारे में बात करें, देखिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जो इंडिया है ये भूटान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इन द पीरियड ऑफ जनवरी टू जून 2018 ट्रेड जो रहा था वो मोर देन 4,000 करोड़ रुपीज़ का ट्रेड रहा दोनों कंट्रीज के बीच में। ऑफकोर्स सोशल कल्चरल टाइज एंड टाइम टू टाइम हम इकोनॉमिक असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट लोन, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एटसेट्रा, इनके फॉर्म पे हम लोग प्रोवाइड करते रहते हैं। सो ओवरऑल दिस इज दी जो जियो पोलिटिकल रिलेशन है हमारा भूटान के साथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैंड है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, एंड आई होप दिस पार्ट इज क्लियर एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, राइट टू बी फॉरगॉटन इज अ पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी। देखिए राइट टू प्राइवेसी टाइम टू टाइम पिछले कुछ सालों में, पर्टिकुलरली 2019 के बाद काफ़ी बार न्यूज़ में रहा है राइट टू प्राइवेसी को लेकर, काफ़ी बार क्वेश्चन भी आ चुका है कंपिटेटिव एग्जाम्स में। यूपीएससी ने एक्सप्लिसिटली राइट टू प्राइवेसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार फिर से ये न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पे देखिए राइट टू जो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, राइट टू बी फॉरगॉटन कम्स अंडर राइट टू प्राइवेसी सेंटर टू दिल्ली हाईकोर्ट। सेंटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को कहा है जो राइट टू बी फॉरगॉटन है, जो भूलने का अधिकार है, ये राइट टू प्राइवेसी के अंडर में आता है। तो क्वेश्चन है कि देखिए ये न्यूज़ आया क्यों, इसका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड को समझिए। दो इंटरनेशनल बिजनेसमैन थे जो बेसिकली एक कॉन्स्पिरेसी एंड फॉर्जरी के केस में इनके खिलाफ मुकदमा चला था 2002 में। इन्होंने डिमांड किया है क्योंकि अभी वो जो केस है वो अभी रेलेवेंट है नहीं, आपका जो भी जजमेंट वगैरह है वो सब हो चुका है, तो इसके चलते जो भी आर्टिकल्स उस वक्त पब्लिश हुए थे वो अभी इरेज कर देना चाहिए फ्रॉम जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आर्टिकल्स को जो भी पब्लिश किए गए थे उनको डिलीट कर देना चाहिए, इरेज कर देना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ देयर प्राइवेसी, एंड राइट टू बी फॉरगॉटन शुड बी अ पार्ट ऑफ देयर राइट टू प्राइवेसी। एंड सेंटर ने इसको एक्नोलेज करते हुए कहा है कि जी हाँ बिल्कुल राइट टू प्राइवेसी के अंडर में आता है राइट टू बी फॉरगॉटन। लेकिन सेंटर ने एक बात ये भी कहा है कि देखिए ये जो मामला है कि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से इनको डिलीट कर देना चाहिए, ये हमारे डोमेन में आता है नहीं। तो हाईकोर्ट ने सेंटर को पूछा था एंड सेंटर ने नोटिफाई की सेंटर को नोटिफाई किया गया था, एंड सेंटर ने अपने जवाब में ये बात बताया है। केस क्या था, ऑब्वियसली बात है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि यस ऐसा एक इंस्टांस आया है जहां पर राइट टू बी फॉरगॉटन जो है इसको राइट टू प्राइवेसी के साथ कैटेगरिकली लिंक किया जा रहा है। क्या ये पहला इंस्टांस है, बिल्कुल नहीं, पहला इंस्टांस नहीं है।
इससे पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट ने राइट टू बी फॉरगॉटन के बारे में जजमेंट दिया था, पढ़ सकते हो यहाँ पर, अर्लियर दिस ईयर करीब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मई जून को दिल्ली हाई कोर्ट हैड ग्रांटेड रिलीफ टू अ पिटिशनर सीकिंग टू एक्सरसाइज राइट टू बी फॉरगॉटन. द पिटिशनर हु वॉज अर्लियर एक्विटेड विद अ नार्कोटिक केस हैड कम बिफोर द हाई कोर्ट प्रेइंग फॉर द रिमूवल ऑफ द जजमेंट ऑफ हिज एक्विटल फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. जो एक्यूज थे इनको एक नारकोटिक केस में इनके खिलाफ कुछ एक्शंस लिए गए थे. इन्होंने फिर हाई कोर्ट से अपना एक सपोर्ट मांगा कि जो इनके खिलाफ जो भी चीज़ें पब्लिश हुए थे रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर केस, उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दिया जाए. तो दिल्ली हाई कोर्ट ने वहाँ पे जो पिटिशनर थे उनको रिलीफ भी प्रोवाइड किया था, मतलब जो राइट टू बी फॉरगॉटन उसको एक्नॉलेज भी किया था. सो दिस इज समथिंग नॉट न्यू फॉर अस, पहले भी ये आ चुका है न्यूज़ में, पहले भी ये हो चुका है. अब डिटेल में जानते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन एग्जैक्टली क्या है. देखिए राइट टू बी फॉरगॉटन जो है ये बेसिकली ये एक राइट है जो टू हैव पब्लिकली अवेलेबल पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिमूव फ्रॉम इंटरनेट सर्च डेटाबेस वेबसाइट और एनी अदर पब्लिक प्लेटफॉर्म्स वांस द पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन क्वेश्चन इज नो लॉन्गर नेसेसरी एंड रेलेवेंट. एक बार जो इन्फॉर्मेशन है अगर ये रेलेवेंट नहीं है करंट कंटेक्स्ट में, तो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सर्च टूल्स, डेटाबेस, इंटरनेट, इन सब से रिमूव कर देना चाहिए. दैट इज द क्वेश्चन ऑफ राइट टू बी फॉरगॉटन. अब देखिए सपोज मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल देते, आपको लेकर कोई एक पर्टिकुलर एक आर्टिकल पब्लिश होता है विच मे नॉट बी अगेंस्ट यू बट समथिंग रिलेटेड टू यू, एंड आप चाहते हो कि अभी ये जो है और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ना रहे. सो आप क्लेम करते हो कि राइट टू बी फॉरगॉटन जो है वहां पर अप्लाई होना चाहिए. सो दैट इज राइट टू बी फॉरगॉटन. नाउ जेनेसिस जो है इसका, देखिए राइट टू बी फॉरगॉटन काफी नया कंसेप्ट है. यस, पहले भी टाइम टू टाइम ये बात आ चुका है, बट एक्सप्लिसिटली 2014 में जो कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन है उनके पास एक केस आया था, स्पेन गूगल केस. यहाँ पे केस में हमें नहीं जाना है बेसिकली, बट यहाँ पे हुआ ये था कि जो कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन था, इन्होंने राइट टू बी फॉरगॉटन को एक्नॉलेज करते हुए इन्होंने कहा था कि ये एक स्टेचुटरी राइट है. राइट टू बी फॉरगॉटन को स्टेचुटरी राइट माना गया था. इंडियन कंटेक्स्ट में देखिए अगर हम बात करें तो राइट टू प्राइवेसी जो जो केस है ये आया था, आपको याद होगा पुट्टू स्वामी केस में, फेमसली नोन एज पुट्टू स्वामी केस. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी जो है ये आर्टिकल 21 के अंडर में, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंडर में आता है. सो वहाँ से राइट टू प्राइवेसी आता है. एंड अभी दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसके हिसाब से राइट टू बी फॉरगॉटन जो है ये भी राइट टू प्राइवेसी के अंडर में आना चाहिए. सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन शुड बी अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21. आपको याद रखना है ये पॉइंट, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं यूपीएससी में. सो राइट टू बी फॉरगॉटन अगर आपको कैटेगराइज करना है इंडियन कंटेक्स्ट में, सो जो जुडिशियरी का प्रोनाउंसमेंट है उसके हिसाब से आर्टिकल 21 के अंडर में आना चाहिए. नाउ इंडिया में देयर इज नो लीगल सैंक्शन बिहाइंड राइट टू बी फॉरगॉटन एज ऑफ ना, कोई लीगल बैकअप नहीं है. बट जो आपका पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, इसी सेशन में इस बिल को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, आपको पता होगा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल. ये जो पर्टिकुलर बिल है फॉर द फर्स्ट टाइम इट रिकग्नाइजेस राइट टू बी फॉरगॉटन एंड कुछ अमेंडमेंट्स भी यहाँ पे सजेस्ट किया गया है, पर्टिकुलरली जो आईटी रूल्स है यहाँ पर. सो राइट टू बी फॉरगॉटन एज ऑफ नाउ करंट सिचुएशन में हम बात करें तो देयर इज नो लीगल बैकअप एज सच. इशू क्या है, देखिए आपको लग रहा होगा कि चलो सही है, जो भी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट नहीं है उनको डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटा देना बेटर होता है, ये आपके प्राइवेसी के खिलाफ होता है अगर ये इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में रहे तो. सो इट्स अ गुड प्रोनाउंसमेंट. बट देखिए कुछ इश्यूज है यहाँ पे, आपको ये इश्यूज जानने होंगे, प्रोज एंड कॉन्स इस जजमेंट का आपको समझना पड़ेगा, या फिर जो भी स्टेटमेंट रहा है सेंटर का इसका प्रोज एंड कॉन्स इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं. देखिए पहली बात तो ये है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जो ये पब्लिक रिकॉर्ड है एंड इट सर्व्स अ पब्लिक इंटरेस्ट. सो जुडिशियरी से कोई भी, आपको पता होगा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दे एक्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जो भी प्रोनाउंसमेंट आता है
ये पब्लिक इंटरेस्ट सर्व करते हैं, ये फ्यूचर केसेस में भी मदद करते हैं, तो इनको आप राइट टू फॉरगॉटन के अंडर में आप इनको सिंपली इरेज नहीं कर सकते, सिंपली आप क्लेम नहीं कर सकते कि इनको पब्लिक डोमेन से हटा दिया जाए। अब देखिए, जब मैं बोल रहा हूँ पब्लिक डोमेन से हटाना है, इट डज नॉट मीन कि सिर्फ डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाना है, इट मीन्स ओवरऑल पब्लिक डोमेन जहाँ पे पब्लिक एक्सेस होते हैं। सो एज ए होल ब्लैंकेट इस तरह का जो स्टेप है ये डेट्रीमेंटल हो सकता है, सिंस जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कैटेगरी के लिए कहता है कि जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है ये जुडिशियल रिकॉर्ड का काम करते हैं, दे सर्व पब्लिक इंटरेस्ट। वंस ओपन इन पब्लिक डोमेन वर्चुअली इम्पॉसिबल टू इरेज। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इंफॉर्मेशन एक बार पब्लिक डोमेन में आता है तो उनको ट्रेस कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पे गया है। एंड ऑफ कोर्स एक बार कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर आने के बाद इसको वर्चुअली इरेज कर पाना, आप प्लेटफॉर्म से हटा देंगे, बट देन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नहीं है या जो भी पर्सनल रिकॉर्ड्स है, डेटाबेस है, वहां से आप इनको इरेज नहीं कर पाएंगे। राइट टू बी फॉरगॉटन क्रिएट्स अ डिलेमा बिटवीन द राइट टू प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल एंड राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस। अगेन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो यहाँ पे इश्यूज आपको समझने होंगे। एक होता है राइट टू बी फॉरगॉटन जो आपका पर्सनल आर्टिकल 21 के अंडर में हो कि आप क्लेम कर सकते हैं, बट दूसरी तरफ राइट टू इंफॉर्मेशन भी एक मुद्दा आता है अगेन, जिसका लीगल बैकअप है हमारे पास। नाउ ऐसे इंफॉर्मेशंस हो सकता है करंटली ये रेलेवेंट ना हो, बट फ्यूचर कुछ इंस्टांस हो सकते हैं जहाँ पे ये रेलेवेंट हो जाए एंड आपके पास वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो, या फिर जो प्रेस फ्रीडम है आप प्रेस को नहीं बोल सकते हो कि 2001 में एक मुद्दा आया था अभी ये रेलेवेंट नहीं है, तो इसको आप अपने जो भी डेटाबेस है वहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि ये सारे जो इंसिडेंसेस होते हैं ये फ्यूचर में एज अ रिकॉर्ड काम करता है, ये फ्यूचर में रेफरेंस के हिसाब से काम करता है। सो फ्रीडम ऑफ प्रेस भी क्वेश्चन में आ जाता है। सो देयर इज अ टू साइडेड डिलेमा रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर स्टेप। वे फॉरवर्ड क्या है, क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है, सिंपल सा है। देखिए, देयर शुड बी रीजनेबल ग्राउंड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ राइट टू बी फॉरगॉटन, देयर शुड नॉट बी एनी ब्लैंकेट स्टेटमेंट लाइक रेलिवेंट इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन जो उनको डिलीट कर देना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी ब्लैंकेट स्टेटमेंट लाइक दैट, रीजनेबल ग्राउंड होने चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक इंटरेस्ट सर्व करता हो उनको आप राइट टू बी फॉरगॉटन के अंडर में आप क्लेम नहीं कर सकते हो। देन देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल प्राइवेसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज, अकॉर्डिंगली हमें जो लीगल बैकअप है वो लाने चाहिए, या फिर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के जरिए, या पर्टिकुलरली कि कुछ जैसे आईटी रूल्स हो गए अमेंडमेंट के जरिए हमें कुछ एक्सप्लिसिट क्राइटेरिया मेंशन करना जरूरी है कि दीज आर द इंस्टांसेस जहां पे राइट टू बी फॉरगॉटन जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पे है सोसाइटी, जो आपका जीएस पेपर है यहां पे इस पर्टिकुलरली उस पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है ये न्यूज। देखिए, आपने ये न्यूज़ डेफिनेटली पढ़ा होगा, केरला में जो कोझिकोड़ी है यहाँ पर जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म के बारे में बात किया जा रहा है। देख सकते हैं आप, जो बॉयज़ एंड गर्ल्स जो दोनों जेंडर के स्टूडेंट्स हैं ये शर्ट्स एंड ट्राउजर्स पहनने के डिमांड कर रहे हैं, एक्चुअली अप्लाई भी किया गया है, पहन रहे हैं। एंड इसी को लेकर एक न्यूज़ आया है, केरला में ये सबसे पहला ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, प्रोटेस्ट हुआ है इसको लेकर, पर्टिकुलरली जो मुस्लिम ग्रुप्स हैं इन्होंने प्रोटेस्ट किया है, लेकिन जो स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर है आर बिंदु, इन्होंने कहा है कि ये जो यूनिफॉर्म है इट विल बूस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। सो गवर्नमेंट के तरफ से हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव नोट आया है, एक प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट आया है इस स्टेप को लेकर। जानते हैं डिटेल में कि क्या है ये एंड इसका सिग्निफिकेंस एंड फ्यूचर इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। देखिए, जो रेस्पॉन्स रहा है इस पर्टिकुलर स्टेप को लेकर कि स्कूल में स्टूडेंट है मेल एंड फीमेल सेम यूनिफॉर्म पहनेंगे, शर्ट होगा या ट्राउजर, तो एक सिंपल सी मुद्दा है, बट इसको लेकर काफी सारे मिक्स्ड व्यूज आए हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये अच्छा स्टेप है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं ये स्टेप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो क्या व्यूज रहा है, देखिए कुछ लोगों का ये मानना है कि ये एक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप है एंड इट विल रिमूव द जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड फॉर प्रोग्रेसिव जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी।
इनफैक्ट एजुकेशन मिनिस्टर स्टेट के इन्होंने भी इसको कहा कि एक फ्रूटफुल वन है जो कि कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा स्टूडेंट पर्टिकुलरली इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, जो कॉन्फिडेंस है बूस्ट करेगा एंड इट विल ब्रिंग सम सोशल चेंजेस। सो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रोग्रेसिव स्टेप आया है, लेकिन कुछ प्रोटेस्टर्स हैं, पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी से कुछ लोग हैं जो इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंड इनका मेन पॉइंट क्या है, देखिए ये जो गर्ल है उनके चॉइस के खिलाफ में जाता है कि हमें क्या पहनना है, इस चॉइस के खिलाफ जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी आया है, देखिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना वहाँ पे एक भी सिंगल फीमेल प्रोटेस्टर्स नहीं है। इनफैक्ट फीडबैक के दौरान जितने सारे फीमेल थे इन्होंने इस स्टेप को सराहना किया है, इन्होंने कहा है कि यस इट इज़ अ वेलकम स्टेप, क्योंकि जो इनफैक्ट जो मुस्लिम गर्ल्स है जिनसे फीडबैक पाया गया है इन्होंने भी कहा है कि देखिए हम घर में ट्राउजर्स एंड शर्ट्स पहन सकते हैं एंड हम ओकेशन के बेसिस पे हम लोग पहनते हैं, कभी हमें अगर नकाब भी पहनना है तो हम पहनते हैं, सो अगर हम घर पे यूज़ कर सकते हैं तो स्कूल में क्यों नहीं। सो डेफिनेट सी बात है उनका भी, जो फीमेल है पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी से जिनका फीडबैक लिया गया है इन्होंने भी सपोर्ट दर्शाया है इस स्टेप को लेकर। देखिए जेंडर न्यूट्रलिटी जो है ये हमारे लिए कोई नया कंसेप्ट नहीं है, टाइम टू टाइम ये सरफेस होता रहता है, अलग अलग एरियाज है जहाँ पर जेंडर न्यूट्रलिटी के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज लिटरेचर में पर्टिकुलरली कहा जाता है कि जो लैंग्वेज है ये जेंडर बायस्ड है, ऑफ कोर्स डेफिनेट सी बात है। फॉर एग्जांपल कुछ लिटरेचर हो जाते हैं जो इनका जो जेनेसिस है जब डेवलप हो रहे थे तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था, तो वहाँ पे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन लिटरेचर में पर्टिकुलरली हम देखने को मिलता है। हमें जेंडर न्यूट्रल लॉ कमीशन रिपोर्ट के हिसाब से भी ये आया था कि जो हम लॉ बनाते हैं ये जेंडर बायस्ड नहीं होना चाहिए, जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमें जेंडर न्यूट्रल लॉज बनाने चाहिए, कुछ लॉज होते हैं जो प्रो जेंडर अ पर्टिकुलर जेंडर के फॉर्म में जाता है या किसी पर्टिकुलर जेंडर के इंटरेस्ट के खिलाफ होता है, सो इस टाइप के जो लॉज है इन्हें अवॉइड करना चाहिए, जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, LGBTQ जो कम्युनिटी है उनके तरफ से भी कुछ ऐसे स्टांसेस थे कि जो जेंडर आइडेंटिटी है वो बस पर्सनल आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी अ बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। एजुकेशन सिस्टम जो है इसको भी जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, पर्टिकुलरली जो स्टेम एजुकेशन है साइंस टेक इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स इनको भी जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। डेफिनेट सी बात है कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं जो एनुअल सर्वे के बेसिस पे कि जो टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट साइंस इंजीनियरिंग मैथ्स इन सारे स्ट्रीम्स पर मेल डोमिनेशन ज़्यादा देखा जाता है, एनरोलमेंट जो है वो मेल ज़्यादा पाया जाता है। यस देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर दैट, बट देन एजुकेशन सिस्टम एज ए होल शुड बी जेंडर न्यूट्रल। जॉब प्लेसमेंट को लेकर भी कई सारे ऐसे जॉब है जिनको प्रो मेल माना जाता है क्योंकि फीमेल काउंटर पार्ट्स जो है माना जाता है कि दे आर नॉट सुइटेबल या फिर इनको कम वेज प्रोवाइड किया जाता है। सो ये सारे इंस्टांसेस ये सारे इश्यूज टाइम टू टाइम सरफेस होते रहते हैं रिगार्डिंग जेंडर न्यूट्रलिटी। सिग्निफिकेंस क्या है, ऑब्वियसली बात है देखिए अगर जेंडर न्यूट्रल ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं सोसाइटी में, छोटा सा छोटा स्टेप इट विल बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ पर्टिकुलरली जो फीमेल सेक्शन है एंड इट विल हेल्प टू ब्रेक द जेंडर स्टीरियोटाइप्स, इट विल ब्रिंग फीमेल काउंटर पार्ट्स टू द मेन स्ट्रीम ऑफ प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग में, जो इनका रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो डेफिनेट सी बात है मेन स्ट्रीम में आएंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग में इनका रोल रहेगा, एनवायरमेंटल प्लानिंग में तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी देयर आर डिफरेंट रिपोर्ट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इनफैक्ट जो आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी UNFCCC के अंडर में जो आते हैं ये भी कहते हैं कि जेंडर न्यूट्रल होना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू सेव द प्लैनेट। अगर हम जेंडर न्यूट्रल प्लानिंग करते हैं पर्टिकुलरली अगर फीमेल सेंट्रिक नॉट फीमेल सेंट्रिक रादर फीमेल इन्वॉल्वमेंट अगर होता है तो कई सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं सिंस दे आर दी वन हु आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू नेचर। वाटर बजटिंग वाटर मैनेजमेंट को लेकर गुजरात में कुछ सर्वे हुआ था, यहाँ पे देखा गया कि जिन एरियाज में जो फीमेल है इनके द्वारा प्लानिंग होता है वहाँ पे जो वाटर
सस्टेनेबिलिटी है वो काफ़ी बेटर है कंपेयर टू देयर मेल काउंटर पार्ट। सो ये सारे कुछ इश्यूज़ है एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट में हम बात करें तो, जो यू नो डेफिनेट सी बात है जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ देखता है इन ऑर्डर टू यू नो डेवलप इन प्रोग्रेसिव वे। आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है वीडियो को एंड करते हुए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पब्लिश होता है? मैं चाहूँगा आप इसका आंसर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप क्लियर है आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू इंस्पिरेशन IAS फॉर डेली न्यूज एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।